वो इधर से आए हैं, इधर आके फौरन उन्होंने पिस्टल मेरे ऊपर तान लिया। मैं डर के नीचे उतरने लगा हूँ, उन्होंने गला पकड़ा, गला पकड़ के वो उन्होंने बाइक के ऊपर रख लिया, फायर किए हैं मेरे ऊपर। मैं नीचे हुआ हूँ, मेरे ऊपर से गुजर के इधर बाप बेटे थे दोनों को, उनको लग गए हैं। क्या आपसे धूप वगैरह लेने आए हैं? अच्छा मुझे बताओ, आपने कोई मजाहमत की है आगे से? मैंने कोई उनसे मजाहमत की, मैं खौफजदा था, इतना ज्यादा हो गया। उनको ये लगा कि हमारे ऊपर ये हमला करने लगा है, मुझे ये लगा कि मुझे मारने लगे हैं। मैं उनसे डरा, वो मेरे से डरे हैं। निको की शादी का जहेज हम इकट्ठा कर रहे थे, उसको साथ में लेके गए हैं रंगमहल, ये अपनी मर्जी की चीजें ले ले। दूध लेने के लिए दूध वाले को पैसे दिए, बकाया भी लेना था, बकाया नहीं मिला, वो आ गए हैं डाकू। दो दूध वाले ने थोड़ी सी मजामत की है, ये उसी की वजह से जरा ये फायर जो है वो दूध वाले को लगाने लगे हैं, वो उसको नहीं लगा, मेरी बेटी को लगा है, मेरी बेटी की मौके पे डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शाहदरा के इलाके में, जहाँ की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि एक मिल्क शॉप के ऊपर डाकू आए, गल्ला उठाया, लेकर निकले, जाते जाते लोगों को फायर मारने लग गए, जिसकी सद में आकर अनिका की डेथ हो गई। अनिका की शादी थी ईद के बाद, जो वो दुकान है जिसके आगे ये सारा हुआ हुआ और इसी दुकान का गल्ला उठाया गया। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन। हसन आपका नाम है, हसन ये आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान है। हसन एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, वो क्या किस्सा है? यो इस तरह के मैं अफ्तारी करके नीचे आया हूँ, बाजार में बिल्कुल सन्नाटा था, बाजार में कोई इतने लोग नहीं थे, उन्होंने देखा मैं अकेला बैठा हुआ, वो इधर से आए हैं, इधर आके फौरन उन्होंने पिस्टल मेरे ऊपर तान लिया। मैं डर के नीचे उतरने लगा हूँ, उन्होंने गला पकड़ा, गला पकड़ के वो उन्होंने बाइक के ऊपर रख लिया, जाते बार उन्होंने फायर किए हैं मेरे ऊपर। मैं नीचे हुआ हूँ, मेरे ऊपर से गुजर के इधर बाप बेटी थे दोनों को, उनको लग गए हैं। बाप बेटी आपसे धूप वगैरह लेने आए हैं? अच्छा ठीक है, तो बेटी को लगा तो वो गिर गई? पहले बाप को लगा, फिर बेटी को लगा, बेटी फौरन डिगी है, उसकी फौरन डेथ हुई है, मौके भी डेथ हो गई। और बाप? बाप जख्मी हो गया, बाप को भी और बेटी को भी हॉस्पिटल ले गए वो। अच्छा मुझे बताओ, आपने कोई मजाहमत की है आगे से? मैंने कोई उनसे मजाहमत की, मैं खौफजदा था, इतना ज्यादा हो गया कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा नीचे हुआ, उन्होंने फायर मार दिया। उनको ये लगा कि हमारे ऊपर ये हमला करने लगा, मुझे ये लगा कि मुझे मारने लगे हैं। मैं उनसे डरा, वो मेरे से डरे हैं। अच्छा गले में कितने पैसे थे? गले में सुबह से शाम तक जितनी सेल थी गले में थे। ठीक है, तो पुलिस ने तो मुल्जमान को फौरन अरेस्ट किया, पकड़ लिया, कामयाब? हमने 15 पे कॉल किया, पुलिस फौरन आई है, पुलिस फौरन आई है, फौरन उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। गले में मेरा मोबाइल था 10:33, वो बंद भी हो जाए ना, स्विच ऑफ भी हो जाए, फिर भी वो ऑन रहता है, वो साथ ही चला गया, लोकेशन उस मोबाइल ने दी है। लोग बड़े खौफ और हिरास में मुब्तला है, लोगों की उन्होंने बहुत ज्यादा खौफ इधर डाला हुआ है। तो पहले भी कत्ल करके आए हैं? पीछे वो कत्ल करके आए, इधर आगे वो डकैती कर रहे हैं, पीछे चौक में कत्ल किया उन्होंने, इधर आगे डकैती उसी दिन उसी टाइम, उधर कत्ल करके इधर आ गए हैं। 15 मिनट पहले वो कत्ल किया उन्होंने, इधर आगे डकैती करनी शुरू कर दी। कितने लोग थे? 2 लोग थे। वो मोटरसाइकिल का नंबर पता है? नहीं, बाइक नहीं देखी हमने। बिल्कुल सामने वाली दुकान है, इधर चलते हैं और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? शाहिद। शाहिद, शाहिद ये दुकान यहीं पर थी आपकी उस टाइम? फटा यही लगाया हुआ था? अच्छा क्या बनाए, देखा क्या देखा आंखों से? हमने ये देखा, ये मैं इधर खड़ा हुआ था और इधर से 2 डाकू आए थे, उन्होंने आते यहाँ पे फायरिंग कर दी है, वो भाई नीचे गिर गया था, उनको फायर लग रहे थे लेकिन अल्लाह ने बचा दिया उनको। ये तो पुलिस का बहुत शुक्र गुजार है हम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन मुल्ज़मों को पकड़ के उनको सजा दी है। वो मैं भाग के गया था, बच्ची को जाके उठाया लेकिन वो मौके पे ही डेथ हो गई थी, मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। और वालिद साहब? वालिद साहब? वालिद साहब के बाजू पे यहाँ पे वो होश में थे? हाँ वो होश में थे, उनको भी मैंने कहा था उठाओ इसे, वो कहता है मुझे भी गोली लगी, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। अच्छा तो ये पहले भी यहाँ पे डकैतियाँ करते रहते? हाँ बहुत ज्यादा इन्होंने डेकी की, तकरीबन वो 16-17 कत्ल उसने किए हैं उन डाकुओं ने, इससे भी ज़्यादा डकैतियाँ भी बहुत ज़्यादा थे। हाँ ये पीछे वारदात करके इधर आए हैं। मेरी बच्ची चली गई, मेरी फूल जैसी बच्ची, मेरी फूल जैसी बच्ची डकैत मार के। मैं
कजिन, ये जो आपको हुजूम नजर आ रहा है, जो आपको रश नजर आ रहा है, ये रश इसलिए नजर आ रहा है कि ये सारी की सारी बरादरी इकट्ठी हुई है और इसके साथ साथ शाहदरा में रहने वाले तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनके दुख में बराबर के शरीक होने। इसके साथ साथ तीसरे का खत्म है जो ये सब मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जुल्फिकार मसीह। जुल्फिकार, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 4 थे, अब 3 हैं। ओए होए, एक बेटी खुदा को प्यारी है। क्या हुआ था, आप लोग घर से दूध लेने गए थे, क्या हुआ था? दूध तो बाद में लेने आए हैं, पहले बच्ची के जहेज का सामान इकट्ठा कर रहे थे, रंग महल गए थे। वापसी पे जो है ना, उसकी बड़ी बहन जो है ना उधर साथ ही रहती है, उधर उसको चीजें दिखा के आ रहे थे, रास्ते में दूध लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो सामान सारा हाथ में पकड़ा हुआ था? नहीं, वो सामान तो पकड़ा नहीं था, बाइक पे अपना लटकाया हुआ था। दूध लेने के लिए दूध वाले को पैसे दिए, बकाया भी लेना था, बकाया नहीं मिला, वो आ गए हैं। अच्छा, डाकू दो, ठीक है, साइकिल पे वो आ गए हैं। तो उन्होंने ना मोटरसाइकिल उन्होंने स्टार्ट ही रखी है, बंद नहीं की। दो थे, एक उतर के उसने दूध वाले का गल्ला पकड़ा, गल्ला पकड़ के उसने अपनी बाइक पे रखा, बाइक पे रख के वो चलने लगे हैं। अभी चले नहीं, दूध वाले ने थोड़ी सी मजामत की है, मजामत की है, ये उसी की वजह से जरा ये फायर जो है वो दूध वाले को लगाने लगे हैं। अच्छा, वो उसको नहीं लगा, उसने नीचे छलांग लगाई है दूध वाले ने। दूध वाले ने, वो तो बच गया, लेकिन वही फायर जो ना वो मुझे अटैक कर गया। एक फायर मुझे लगा और जाते जाते उन्होंने फायरिंग करते गए हैं, एक मेरी बेटी को लगा, मेरी बेटी की मौके पे डेथ हो गई। बेटी को फायर कहाँ लगा? बेटी को सामने सीने पे लगा। ओए होए होए होए, वहीं पे गिर गई? वहीं पे गिर गई। और आपके बाजू पे लगा है? मेरे बाजू पे लगा। फिर आप लोगों ने जाहिर है 15 पे कॉल की होगी? 15 पे किसी ने कॉल नहीं की, अपनी मदद आम आप अस्पताल तक गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना वो डॉक्टर्स ने क्या कहा? उन्होंने हमें फिर बाद में उधर मियो में शिफ्ट कर दिया। बेटी के मुतालिक क्या कहा डॉक्टर ने? बेटी के मुतालिक तो उन्होंने तो उनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन मेरे घर वाले अभी कह रहे थे कि अभी ठीक है, अभी ठीक है। बेटी के हवाले, बेटी के हवाले, क्या नाम है बेटी का? अनिका। अनिका, अनिका की उम्र कितनी है? अनिका की उम्र 17-18 साल। ओहो, छोटी सी है ये तो? छोटी सी है। अच्छा, घर वाले कह रहे थे कि अनिका ठीक है? हाँ, फिर? लेकिन ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझसे झूठ बोला जा रहा। अच्छा, क्योंकि मौके पे उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अच्छा, मुझे झूठ बोला जा रहा था। फिर आप घर कितनी दिन के बाद आए या कितने घंटों के बाद आए? हम अपना तकरीबन 10-12 घंटों के बाद आए। जब आप घर आए तो क्या देखा आके? हमने सुबह बताया। ये तो सुबह बताया, आपको नहीं बताया? आपको नहीं बताया, मुझे नहीं बताया, सारी रात नहीं बताया? नहीं, सारी रात, सुबह जब डेड बॉडी आई है। क्या बताया फिर? फिर इन्होंने बताया कि वो अनिका की डेथ हो गई। ओए होए होए, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, बेटी है जाहिरा, आपसे तो आपने कहा ये क्या हो गया। जाहिर है जी, बाप है, बाप का दिल तो ऐसा ही है, जिसको अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गए हैं, घर वाले बता रहे हैं कि ठीक है ठीक है, फिर अचानक से बताना कि उसकी डेड बॉडी आ रही है। बस ऐसे ही है। अनिका की शादी थी? अनिका की शादी का जहेज हम इकट्ठा कर रहे थे, उसको साथ में लेके गए हैं रंग महल कि अपनी मर्जी की चीजें ले ले, बस वो किस्मत में नहीं थी। अनिका की शादी क्या डेट रखी हुई थी? डेट तो भी फिक्स नहीं थी, वैसे हम जेज इकट्ठा कर रहे थे। हाँ, मुतालबा है, कुछ कहना चाहते? मुतालबा क्या है, पुलिस जो अपना पंजाब पुलिस थी उसने अच्छा एक्शन लिया है, बिल्कुल कामयाब कार्रवाई की है, होना भी ऐसे ही चाहिए। बाजू के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो अभी टाइम लगेगा, खुद कफील आदमी हूँ, हड्डी फ्रैक्चर है, बस खुद कफील आदमी हूँ, बस क्या कह सकता हूँ। ये देखे जी, ये अनिका की तस्वीर भी आ गई है, और ये लोग आप क्या लगते हैं भाई? ओए होए, भाई बहन की तस्वीर लिए फिर रहे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको कैसे पाया? ओए होए, उससे कोई बात नहीं हुई, उसने एक मर्तबा भी मुझे आवाज नहीं दी, पूरा इतना ख्याल रखती थी जैसे मेरी माँ होती है। तो ये तस्वीर पकड़ के क्या सुकून आता है? दिल को बस तसल्ली आ रही है, सुकून नहीं आ रहा। ओहो, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, मेरी जवान बच्ची चली गई है, हम क्या करें बताएं? अनिका के ससुराल वालों को बता दिया?
पता है रब का हा मरियम नवाज जो लोगों को तवज दे रही थी आटा दे रही है या तवज दे हमें आटे की क्या जरूरत है हमें तवज की जरूरत है। आप बहुत रो रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम। शमीम क्यों? बस बच्ची का दुख नहीं बर्दाश्त। आप एक माँ है, माँ के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। बेटी जवान जहान बच्ची आंखों के सामने से दुनिया से चले गई, ऐसे ऐसे ही है। कैसे दिन रात किस तरह सबर दिलाती हैं खुद को? मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, मेरी जवान बच्ची चली गई है, हम क्या करें बताएं? हमें ये बात बताएं हम क्या करें? मेरी तो बेटी चली गई, इन्हें वापस तो नहीं आना। नहीं आना, बिल्कुल वापस नहीं आना। अनिका के ससुराल वालों को बता दिया? पता है क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, क्या कहना है? अभी तो सब्र नहीं आता, रात को नींद आ जाती है? नहीं, याद आ गई। थोड़ा सा ऊंची बोले, आवाज नहीं निकलती, आवाज ही नहीं निकलती, गला बैठ के सारी रात बैठी रहते हो? ऐसे ही बस गुजर जाता है, लेटती उठती हूँ, लेटती उठती हूँ। कि पूरे शादरा की आवाम इस गैंग से बड़ी तंग थी, बहुत खौफ खाते थे, बहुत तंग सी। ऐसे ही ऐसे ही है, ऐसे ही। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है? हाँ जी, ठीक की है, बहुत अच्छी। अनिका की कितनी बहनें हैं? और दो बहनें थी, दूसरी बहन कहाँ है? दूसरी बहन की तबीयत नहीं ठीक है, शायद घर में। और भाई कितने? दो भाई। वो किधर है? अभी इधर ये काम कर रहे हैं। बाबा जी, इस इलाके की आवाम बड़ी खौफजदा थी इस गैंग से, डरते थे लोग, घरों से नहीं निकलते थे। पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है, बड़ी कामयाब कार्रवाई की है। क्या कहेंगे लोग, अब खुश हैं? लोग खुश हैं बहुत जी। छाड़े करा जो जीन को बाहर निकल लेता, पुलिस ने दूध लेने करने जान लेते। डर लगता है? डर लगता है। ओए होए, अच्छा इतना डर लगता है? जी, मैं ना बच्चे का चाचा हूँ। अच्छा, मेरी पोतरी थी। अच्छा, मेरी पोतरी थी। आपकी पोतरी थी? जी जी। ये देखें जी, ये अनिका की तस्वीर भी आ गई है। और ये लोग आप क्या लगते हैं? भाई, भाई। ओए होए, भाई बहन की तस्वीर लिए फिर रहे हैं। ये हजूम देखें, ये रश देखें, और इस रश में इस तस्वीर को लेके फिरना देखें। पूरा नाम बताओ। आकाश जुल्फकार से। आकाश जुल्फकार। आकाश कितनी उम्र है? 22 साल। आपसे छोटी थी बड़ी? बड़ी। आपसे बड़ी थी? बड़ी थी। तस्वीर लिए घूम रहे हो? बस क्या करें, इसी तो घूमते रहते हो। प्यार था? मैं उसे प्यार ही बहुत था। लास्ट टाइम कोई बातचीत हुई थी बहन से? नहीं, लास्ट कोई शादी के मुतल्लिक या घर से जब गई है? उसको घर पर छोड़ के गया था रात को, उसको मैंने मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको कैसे पाया? ओए होए, उससे कोई बात नहीं हुई। उसने एक मर्तबा भी मुझे आवाज नहीं दी। नहीं दी आवाज? कैसे आवाज देती? आवाज देने की मोहलत ही नहीं मिली उसको। बहुत अच्छी दोस्ती थी बहन भाई की? या तो इस तरह प्यार था जैसे कोई पान क्या होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। हर टाइम इकट्ठे इकट्ठे खाना पीना इकट्ठे इकट्ठा। मुझे उसने सुबह को रोटी बना के देनी, शाम को रोटी बना के देनी, मेरे आने से पहले उसने मुझे खाना खिलाना, मेरा सब कुछ उसने करना है। मेरा उसके साथ कुछ नहीं था, मेरा इतना ख्याल रखती थी जैसे मेरी माँ होती है। इतना ख्याल कोई नहीं बहन का रखता, इतना ख्याल कोई नहीं रखता जितना अनिका ने रखा है। रखा है तो ये तस्वीर पकड़ के क्या सुकून आता है? दिल को बस तसल्ली आ रही है, सुकून नहीं आ रहा। ओ हो 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 हो, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, पढ़ी हुई कितना थी ये? मैट्रिक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनायत बीबी। अनायत बीबी, आपकी क्या लगती थी? मेरी पांजी। हाय हाय, रो रो के हाल बुरा किया हुआ आपने। छोटी बहन है ये, बस अल्लाह की मर्जी, पता ही नहीं चला। ऐसा ही है, 8:30 बजे पता चला, हम हॉस्पिटल आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगते हैं आप अनिका? मैं इनका चाचा लगता हूँ। अच्छा, मैं लेके गया हुआ था। हाँ। मुझे अभी पता चला। अच्छा, मैं बस से ऊपर भागा आया हूँ शादरे मोड़ से। ओए होए होए, हमारे साथ बहुत जुलम हुआ है। आपका हाँ मरियम नवाज जो लोगों को तवज दे रही थी,
आटा दे रही है या तवज दे, हमें आटे की क्या जरूरत है, हमें तवज की जरूरत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ से कमाएगा, बिल्कुल इतना जवान है क्या किसी से भीख मांगेगा। नहीं तहफ़ुज़ तो दिए, पुलिस ने काम तो किया है ना। हाँ जी वो तो किया है, वो तो उनका फर्ज बनता था बेटा। बिल्कुल फर्ज बनता था और उन्होंने अपना फर्ज निभाया। हाँ जी क्यों नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं, को मुतालबा है? मैंने आपको रोते देखा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुतालबा तकलीफ हुई है। बेटा क्या मुतालबा करे, देखो ये काम नहीं कर सकता। हाँ ये हमारी मरीम नवाज से अपील है। अच्छा कि ये काम नहीं कर सकता, क्या करेगा, ये कारपोरेशन का मुलाजिम है, ठीक है, रिक्शा भी चलाता था, बच्चों का पेट पाल पेट के लिए मेहनत करता था। अब क्या बनेगा कारपोरेशन का, अब तो रिक्शा नहीं चलना, रिक्शा भी नहीं चलना, कारपोरेशन का काम भी नहीं होगा। ये हमारा इस्तीफा मिलना चाहिए इसको, और ये बात नहीं है। हम कहाँ से लाए, गरीब आदमी है, हम तो अपने वक्त की रोटी नहीं कर सकते, इनका क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा, बुशरा आपकी क्या लगती थी अनीका? मेरी बेटी भी थी, बहना भी थी, भाभी भी उनकी थी। अच्छा हाँ जी। अच्छा क्या कहेंगी, क्या कहना चाहती हैं अनीका के लिए? मैं अनीका के लिए ये कह सकती हूँ, अल्लाह मियां उसे जन्नत में उसे रास्ता दे, जिस सुखी रहे। घर वालों के लिए यही मेरी अपील है, मरियम माँ से मेरी यही अपील है, वो मजदूर हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता, उनके घर का इंतजाम कैसे चलेगा। बिल्कुल सही है मरियम नवाज, यही अपील है कि उनके साथ तावन किया जाए। तो बस मैं ये कह सकती हूँ, जहाँ उनकी फैमिली को ढेर सारा सब्र दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन सब्र तो अल्लाह की जात ने देना है, लेकिन बहन भाइयों का हौसला बहुत बड़ी चीज है। मरियम नवाज से मेरी ये अपील है कि इनके साथ तावन किया जाए। ठीक है, तो मैं पुलिस वालों को सलूट करती हूँ, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है। आप बहुत रो रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम। शमीम क्यों? बस बच्ची का दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा। नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्या लगती हैं आप अनीका की? भांजी है? बहन की बेटी है? बहन की बेटी। आप खाला है? आपके साथ अटैचमेंट ज्यादा थी, गपशप ज्यादा थी? बस सही थी। हाय हाय, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। सारी रात सो जाती हो या बैठी रहती हो? बस नींद कभी आ गई, कभी शुगर की मरीज, ब्लड प्रेशर की मरीज, नींद आ गई ना ही तो ना से। अनीका के घर पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ज़ाहिर है मौत वाला घर है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं और कुछ की तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। अनीका से बड़ी हैं आप? जी सब से बड़ी हैं। कितने बहन भाई हैं आप लोग? चार। अनीका तो आपसे काफ़ी छोटी है, क्या कहेंगी अनीका के लिए? बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी। बीमार हो गई है, क्या हो गया है? इसी तरह ही चुप चुप रहती है, गुमसुम। इधर बात करें मेरे से, आप बात करेंगी? बात नहीं होती, ठीक है। बहन है, जाहिर है तकलीफ का आलम है कि बातचीत करना छोड़ गई है, उठना बैठना छोड़ गई है, बस खामोशी से एक साइड पर बैठी रहती है। जिसके घर में जवान मौत हुई हो, ये उन्हीं लोगों को पता होता है कि इसकी तकलीफ क्या है, इसकी शिद्दत क्या है, इसका दुख क्या है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें दुकानदार से उसका गला छीना गया, उसको गन दिखाई गई और पास खड़े कुछ लोग यानी के कस्टमर जिसे हम कह सकते हैं, उनको फायर किया गया। शाहदरा टाउन की मेन मार्केट है, यहाँ पे तो लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, ये लोग आए, इन लोगों ने पहले गन पॉइंट पे उनका गला उतारा है, वीडियो में देखा जा सकता है। जाने लगे कि वो दूध वाला जो था डर गया था, वो नीचे उतर रहा था, इनको शायद ये लगा मजामा, तो इन्होंने फायर कर दिया। जब फायर किया तो वो वहाँ पे जो दूध दही लेने वाले थे, बाप बेटी, बेटी को फायर लगा एंड वो क्रॉस होके बाप के हाथ में लगा। फैक्चुअली हम बात करें तो 5 लोग इन्होंने कत्ल किए हैं और 8 से ज़्यादा इन लोगों ने फायर करके ज़ख्मी किया है। सबको सोसाइटी के सामने खड़ा करना है कि ये हैं वो लोग जिन्होंने इस सोसाइटी के साथ, इस शाहदरा टाउन के लोगों के साथ 3 महीने किस बेदर्दी के साथ जो है वो जुल्म किया और किस बेदर्दी के साथ उन्होंने एक इनडिस्क्रिमिनेट अंदाज में जो है फायरिंग करके लोगों की जान माल को जो है वो
पामाल किए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी एहसान शाह साहब, जो कि एएसपी शाहदरा तायुनात हैं। इस हवाले से तमाम डिटेल्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि कितने लोगों को कत्ल करने वाला ये गैंग, टोपी गैंग, क्या डिटेल्स हैं इस गैंग की, ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं एहसान शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने कत्ल किए हैं इस गैंग ने टोटल? ये इन लोगों ने, फैक्चुअली हम बात करें तो पांच लोग इन्होंने कत्ल किए हैं और आठ से ज़्यादा इन लोगों ने फायर करके ज़ख्मी किया है, जो लकीली बच गए थे। ठीक है। सो कुल मिला के ये टोटल इंसिडेंट्स अगर हम देखें, ये 14 वारदातें बनती है जिसमें ये लोग आए, उन्होंने फायरिंग की। ठीक है। फायर करके लोगों से, कुछ लोगों से उनकी प्रॉपर्टी या वॉलेट या मोबाइल भी छीना है, कुछ से कुछ भी नहीं छीना, सिर्फ टारगेट करके भागे। टारगेट करके मार दिया? मार दिया। अच्छा, ठीक है। यानी पांच लोगों को कत्ल कर दिया और बेशुमार को जख्मी कर दिया। जो जख्मी है, मजरूफ है, वो किस कंडीशन में है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। इसमें एक हमारे कांस्टेबल थे, वो बड़ी लकीली वो बच गए थे, वाला क्योंकि गोली इस तरफ ही लगी थी, वो आर पार हो गई थी, तो उनसे राइफल भी उन्होंने छीनी थी, तो वो लकीली वो बच गए थे। वो नाउ ही इज़ इन स्टेबल कंडीशन। बाकी जो लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है एहसान शाह साहब, जो हम हर ग्रुप में देख रहे हैं, जिसमें दुकानदार से उसका गला छीना गया, उसको गन दिखाई गई और पास खड़े कुछ लोग, यानी कि कस्टमर जिसे हम कह सकते हैं, उनको फायर किया गया। उस वीडियो में अगर एक नॉर्मल शख्स देखे तो समझ में ये आता है कि शायद उन्होंने हवाई फायर किया है, ये शायद दुकानदार को फायर किया, जबकि बदकिस्मती से फायर जो है वो खातून को लग गया। क्या डिटेल्स हैं? वो जो वीडियो थी, ये शाहदरा टाउन परासा कॉलोनी की वीडियो है। ये 6 अप्रैल की है, बिल्कुल इफ्तारी के आधे घंटे बाद का ये हुआ है। चूँकि ईद आ रही है तो तरावे का जो 27 अक्सर जगह अख्ताम भी हो रहा था, उसके साथ साथ उसमें ये था कि शॉपिंग सेंटर्स, ये जो एरिया थे, मार्केट थी शाहदरा टाउन की, ये मेन मार्केट है यहाँ पे, तो लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। ये लोग आए, इन लोगों ने पहले गन पॉइंट पे उनका गला उतारा है, वीडियो में देखा जा सकता है, जाने लगे। इस पर यह था कि इनको शायद ये लगा कि मजामत हो रही है, कि वो दूध वाला जो था डर गया था, वो नीचे उतर रहा था, इनको शायद ये लगा मजामत हो, इन्होंने फायर कर दिया। जो फायर किया है तो वो आप जो दूध दही लेने वाले थे, बाप बेटी, बेटी को फायर लगा है, वो क्रॉस होके बाप के हाथ में लगा, तो बेटी हाथ में, बाजू में लगा, बाजू में लगा, बिल्कुल, तो वो भी इंजर्ड हो गए थे उससे। लेकिन बेटी बेचारी उधर ही, शी एक्सपायर्ड, वो अनिका है, 17 साल, क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, तो वो बहुत बड़ा सदमा था। अनिका की ईद के बाद शादी भी थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए अनिका के सर में फायर लगा? सर पे फायर नहीं लगा, तो हार्ट के आसपास लगा। हार्ट के आसपास लगा। एहसान साहब के हम बात करें, टोटल 5 मर्डर्स की ना, एक तो हो गई है अनिका, बाकियों की क्या डिटेल्स हैं? ये इसमें इसको जो इनकी वारदातें हैं, ये जो टॉपिक गैंग है, हमें पता कैसे लगा कि टॉपिक गैंग है और ये सेंस ऑफ फियर आया कैसे, इसकी प्रॉपर एक चेन बनती है, ये चेन स्टार्ट होती है, इसकी एक हिस्ट्री है। 31st of Jan 2024, ठीक है, सबसे पहले वारदात ये लोग करते हैं, सबसे पहले ये पैदल निकलते हैं बंद रोड की साइड से, जो शाहदरा टाउन का ही है, यहाँ से निकलते हैं, ये पहले मोटरसाइकिल स्नैच करते हैं, ठीक है, फिर उसी मोटरसाइकिल पे आगे जाके किसी को रोकते हैं, उन पर फायर करते हैं, वो दो लड़के तो उनकी गोली आर पार होती है, वो जख्मी हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं, वो एक्सपायर नहीं होते, ठीक है। फिर 3 फरवरी को ये लोग फिर निकलते हैं, एक बंदा है उसको हसनैन, ऊपर आशा कॉलोनी का रिहायशी है, वो उसको रोकते हैं, बज़ाहिर हमें 394 ही लगता था कि दौरान वारदात ही उन्होंने फायर करने की कोशिश, फिर वो एक्सपायर भी हो गए, तो उन्होंने एक बंदा उधर मार दिया 3 फरवरी को। फिर जो बाइक इसने 31 जनवरी को छीनी थी, वो बाइक हसनैन को मारने के बाद उधर ड्रॉप की, हसनैन की बाइक लेके नीचे जो मेन स्टॉप है शाहदरा टाउन के, उधर नीचे चले गए उसी बाइक पर, उधर जाके और इन्होंने रॉबरी की वारदात की, और जिस लड़के से रॉबरी की वारदात की उससे उसकी बाइक छीन गई, कि हसनैन जो बंदा मर गया था उसकी बाइक उधर ड्रॉप कर दी, ठीक है। फिर चलते चलते लोगों पे फायर करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह एक दो बंदे वहाँ से बच गए थे, वो बड़ा एक खौफनाक था। हमने कहा कि एक जब वारदात होती है उसमें एक मोटिव होता है कि यार मैंने ये मोबाइल छीनना है, अगर वो रिजिस्ट करता है, जनरली प्रैक्टिस ये वो रिजिस्ट करते हैं, तो कुछ जो ये आइस के आदि भी होते हैं, तो इनके ऊपर वो सेंस ऑफ फियर में फायर भी मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमें पता चला कि ये तो
उनको भी फायर मार रहे हैं जिनका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, जो इनसे वारदात भी नहीं कर रहे हैं, जो इकट्ठा है उस पर फायर मार रहे हैं। 18 फरवरी को हमारा कांस्टेबल पे फायरिंग होती है, वो अपनी ड्यूटी से आ रहे थे PSL की ड्यूटी के बाद, यहाँ पे जा रहे यहाँ पाटा के, वो जैसे क्रॉस करे पीछे से इन लोगों ने उस पर फायर किया विदाउट एनी रीजन, ना उसे मोबाइल छीना है ना कुछ है, उस पर फायर करके उसकी राइफल छीन के आगे गए काजी पार्क में। एक और वीडियो है वो वायरल काफी हुई थी, वो राइफल से फायरिंग कर रहे हैं, गला सेम गला लेके बाइक पे बैठ के राइफल से फायरिंग कर रहे हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली। अच्छा। फिर कांस्टेबल हमारा एक और वादा था, कांस्टेबल पे फायर होते हैं अगेन शाहदरा टाउन में, एक कांस्टेबल एंड उस पर तीन फायर होते हैं, वो शहीद उधर ही हो जाते हैं। ये 31 मार्च की बात है और यही गैंग कर रहा है सब, और क्योंकि वारदात तरीका है वारदात भी यही है। हम अब मैं आपको एफर्ट्स बताऊं कि हमने क्या किया। इसके बाद फिर 6 अप्रैल को हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स कर लिए थे, हमने गलियां क्लोज कर ली थी बैक ट्रैक करके कि यार ये इन्हीं 3-4 गलियों के अंदर है कि बाहर नहीं गए, क्योंकि कैमरे जो लगे होते थे घरों के अंदर वो बड़ा मुश्किल एक प्रोसेस था। आप एक कैमरा चेक करो वहाँ से आते हैं, फिर कई कैमरा लगा होता है कई नहीं लगा होता, तो उस इशू यहाँ पे सेफ सिटी कैमरेज मेन रोड्स पे होते हैं, गलियों में नहीं होते, नहीं होते बिल्कुल। तो वो बड़ा गलियां बड़ी छोटी 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 गली है। ठीक है, ये तो बताइए गैंग के कितने लोग हैं? ये हमारे पास जो अभी अरेस्टेड है तकरीबन 9 लोग अरेस्टेड है। ठीक है, 2 ये थे, ठीक है, 9 की इंटरोगेशन चल रही है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं काजी साहब जो कि SP City तायुनात हैं, इस केस के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, इन मुलजमान को कैसे अरेस्ट किया और कामयाब कार्रवाई की, ये तमाम डिटेल्स हम जानते हैं काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि इनको कैसे गिरफ्तार किया है, कितने दिन लगे, कितनी टीम्स बनाई, कितने लोगों पर मुश्तमिल थी ये टीम्स? देखिए एज सच कोई गैंग का जो नोमेनक्लेचर यहाँ पे जो चल रहा है एज सच डेजिग्नेटेड या डिक्लेयर्ड या ओन्ड कोई ये नोमेनक्लेचर नहीं था इसके नाम से। जी सर, दे यूज्ड टू वेयर दी हेड गियर, कैप पहन के ये कार्रवाई करते थे और फ्याम में फिर इनको इस तरीके से टोपी गैंग जो है वो जताना जाता था। जी और ये बताइए कि आवाम से जब मैंने बात की, शॉपकीपर से मैंने बात की, वो लोग जिनके घर की बेटी दुनिया से चले गई, तमाम के तमाम लोग बहुत खुश मुझे लगे, बहुत सेटिस्फाइड लगे और पुलिस के मुतल्लिक बड़ी तारीफ उन्होंने की। नॉर्मली मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि अगर ये इतने खौफो हिरास इन्होंने फैलाया हुआ था तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उनका ये कहना है कि हमें बहुत डर लगता था, खौफो हिरास की फ़िज़ा एक बरपा थी, वो क्या सिस्टम है और फिर इतने ऐसे लोग जो इतने ख़तरनाक हैं इनको आपने गिरफ्तार कैसे किया, परफॉर्मेंस बताएँ। देखिए ये मैंने आपको जैसे बताया, ये सिलसिला January 31st दिस ईयर यहाँ से स्टार्ट है, तकरीबन 3 महीने के ऊपर ये सारा सिलसिला जो है ये मुहित है। ठीक है, सिंस डे 1 31 जनवरी को एक 324 की वारदात की रॉबरी विद हर्ट, फिर 3rd February को इन्होंने एक रॉबरी विद मर्डर किया और उसके बाद फिर 17 फरवरी को इन्होंने 17th February को हमारे पुलिस कांस्टेबल को जो है वो जख्मी करके उनकी राइफल छीनी। अच्छा, फिर उसी राइफल से उसी वक्त आगे जाके एक दूध दही की दुकान के ऊपर इंडिस्क्रिमिनेट SMG सेमी ऑटोमेटिक वेपन से जो है वो फायरिंग की और उधर रॉबरी की वारदात की, फिर उसके बाद एक 302 कत्ल की वारदात की, फिर एक 324 की वारदात की, फॉलोड बाई फिर हमारे पुलिस कांस्टेबल को जो है वो शहीद किया गया, उसका वेपन जो है ले गए। अल्टीमेटली 3 दिन पहले जो है वो एक यंग मैन, एक नौजवान बच्चा जो शाहजेब भट, उसको जो है वो कत्ल करते हैं, फिर उसी आधे घंटे में जाके दूध दही की दुकान के ऊपर जाके वहाँ पे जो है वो रॉबरी करते हैं और फिर वहाँ डिस्क्रिमिनेट अगेन फायरिंग कर रही है, जिसके नतीजे में वो बच्ची जो है वो लग जाती है। तो इन ऑल दीज इवेंट्स जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल हैं, शूटर्स वेल ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है जी, ठीक है, और इनके पीछे जो इनके हैंडलर्स और बाकी जो है, क्योंकि इट्स टू अर्ली जी, वो उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी चल रही है। ठीक है, इसमें CIA जो है हमारे साथ काफ़ी इन्वॉल्व है। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर मजीद डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इनमें लोग कितने इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इनके हैंडलर्स, इनके फैसिलिटेटर्स, इनके स्कूटर्स, एबेटर्स, ठीक है, उन सबको इंशाल्लाह हमने अनअर्थ करना है और उन सबको सोसाइटी के सामने खड़ा करना है कि ये हैं वो लोग जिन्होंने इस सोसाइटी के साथ, इस शाहदरा टाउन के लोगों के साथ 3 महीने
किस बेदर्दी के साथ जो है वो जुल्म किया और किस बेदर्दी के साथ उन्होंने एक इनडिस्क्रिमिनेट अंदाज में जो है फायरिंग करके लोगों की जान माल को जो है वो पामाल की है। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम के सामने सारी डिटेल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पुलिस के ऊपर जो है फूलों की पत्तियां निछावर की गई है, मैंने एक वीडियो देखी है गाड़ी पर, पुलिस पर, वो तमाम टीम जो उसमें इन्वॉल्व थी, जब मैंने फूलों की पत्तियां देखी, मैंने लोगों को देखा कि लोग कह के लगा रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे, बड़े लोग मैंने देखा कि मुलाजमों के साथ गले मिल रहे थे खुशी से, उस लम्हे के मुतल्लिक ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं। जी, इस मुस्कुराहट के पीछे, इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा एक खौफ और हरास का ना एक इन्वायरमेंट है जिसमें शदरा टाउन के लोग जो है पिछले 2.5-3 महीने से गुजरे हैं, और उसके हम खुद क्योंकि इतने बड़े इफेक्टिव भी हैं और क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारा इसको ट्रेस करना, इसको लोकेट करना और इनको कैपरे किरदार तक पहुँचाना, बिल्कुल, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत, बहुत जो प्रेशर सोसाइटी की तरफ से, जो प्रेशर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो डिपार्टमेंटल प्रेशर सबसे बढ़ के, जो एक सेल्फ कॉन्शियस जिसको कहते हैं वो जितना हमें हर्ट कर रहा था और इस थ्रू आउट द प्रोसेस हम गुजर रहे थे, तो अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बेशक द परपेट्रेटर्स हैव मेट देयर, जो एक अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक लीगल वे है, उसके साथ इंशाल्लाह इनको डील करेंगे और मजीद जो इनके साथ एफिलिएटेड लोग थे, ठीक है, या हैं जी, जो है इंशाल्लाह दे विल बी अनअर्थ और उनको जो है मंजर आम पे ला के सोसाइटी के सामने खड़ा करेंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने ये सारा क्राइम करके आपके अमन को जो है वो खराब करने की कोशिश की। क्या मैसेज देंगे आवाम को, शाहदरा की आवाम को खसूसी तौर पर? शाहदरा की आवाम को बिलखसूस और बिलअमूम मैं अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस इज ऑलवेज देयर, पुलिस आवाम से है, पुलिस आवाम से हट के बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं, अगर कोई ऐसे वाकयात किसी जगह पे हो रहे हों, सो काइंडली आप पुलिस को सपोर्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की हेल्प करें, पुलिस के ऊपर एतमाद करें, इन्फॉर्म करें, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी इतने टेंस इन्वायरमेंट में और इतने प्रेशराइज्ड माहौल में जो है परफॉर्म कर रही होती है, और अगर ऐसे माहौल में मजीद हमें जो है वो अगर सपोर्ट ना मिले सोसाइटी की तरफ से तो ये प्रॉब्लम हो जाती है और हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरीके से परफॉर्म एक करना चाहिए। तो मैं आपके तवज्जो से मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे पर यकीन रखें, हमारी एबिलिटीज पे हम आपके लिए और हमारी नियत पे कभी भी आप हैं, हम आपके लिए, हम आपके लिए, थैंक यू वेरी मच, आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर पुलिस परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।